पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश का गौरव तभी बढ़ेगा जब हर नारी को सम्मान मिलेगा। इसी को लेकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत रन फॉर शक्ति मैराथन का आयोजन मुरादाबाद पुलिस द्वारा किया गया। मुरादाबाद महानगर की महिलाओं में काफी जोश देखने को मिला। इस मैराथन को लेकर पुलिस काफी तैयारियां कर रही थी। मुरादाबाद की गणमान्य हस्तियों ने भी महिलाओं के इस मैराथन में भाग लिया। इस मैराथन का शुभारंभ इंपीरियल तिराहे से किया गया। इसमें प्रतिभागी लगभग 4.25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस मैराथन में मंजू चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो वहीं अंजू चौधरी को दूसरा और पारू चाहल को तृतीय स्थान मिला। वहीं इस मैराथन के बारे में SSP हेमंत कुटियाल ने बताया कि ये पहल महिला शक्ति को एकजुट करने के लिए है। इस मैराथन में महानगर की 500 महिलाओं और छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। मिशन शक्ति चतुर्थ चरण के तहत आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है। इसके तहत आज यहाँ पर मिनी रेस का आयोजन किया गया है जिसके पीछे महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बलवती करना और ये दिखाना कि वो भी मजबूत है, उस भावना से आज इसका आयोजन पुलिस विभाग के बैनर तले किया गया है जिसमें तमाम विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन बच्चों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और पुलिस विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन यहाँ पर आयोजन किया कार्यक्रम का। इसमें महिलाओं बच्चों से अपील की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाइट रन में हमारा सहयोग कर रहा था और क्या कहते हैं प्रतिभाग कर रहा था। बहुत ही क्या कहते हैं आनंद की स्थिति से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पार्टिसिपेशन मिला है। करीबन 700-800 लोग यहाँ पे महिलाएं हैं जिसे पार्टिसिपेट किया है और ये दिखाया है कि नारी शक्ति कहीं कम नहीं है। मिशन शक्ति के अंतर्गत ये कार्यक्रम कराया गया था एक जज्बा जोश अपनी आवाज़ बढ़ाने के लिए बताने के लिए कि हाँ आधी आबादी है और आधी आबादी का हक पूरी आबादी में भी है और ये पूरा सक्सेसफुल हुआ है। और यहाँ पे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आके इतनी गर्मजोशी के साथ इस प्रोग्राम को कवर किया है। सभी का धन्यवाद। आगे कार्यक्रम बिल्कुल होंगे, जो भी महिलाएं संस्थाएं हैं वो खुद ही आगे आगे कार्यक्रम करा रही है तो इसमें मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। रात में करने का क्या उद्देश्य है? रात में करने का उद्देश्य यही है कि जब लड़के घूम सकते हैं तो लड़कियां भी घूम सकती हैं। बहुत कार्यक्रम रहा आज, बेटियों ने जो उत्साह दिखाया और रात के 10 बजे जिस तरीके की आज मैराथन दौड़ हुई है ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अब सुरक्षा है और हर तरफ से सद्भाव की ये एक पराकाष्ठा है। ये रात में कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या संदेश देने की? यही कि अब बेटियां रात को भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। हमारे योगी जी मोदी जी की एक बहुत शानदार पहल है जो मिशन शक्ति के जरिए उन्होंने रखी है, रन फॉर शक्ति, यानी कि रात में भी बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने इस टाइप का संदेश दिया है। ये मिशन शक्ति 4 का आगाज है कि इस तरह की सुरक्षा हमारी बेटियों के लिए दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से, जो कि प्रशासन के सहयोग से यहाँ मुरादाबाद में आयोजित की गई है जो कि बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मैं अपनी सरकार को, भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले तो मैं पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम का मुझे उन्होंने सहभागी बनाया और इस कार्यक्रम की तैयारी हमारी पूरी एक हफ्ते से लगातार चल रही थी। बेटियों से पूरे कॉन्टैक्ट में थे और बेटियों का जो जोश था आज, सारी बेटियों ने एक सी टी शर्ट एक सी कैप पहनकर और दौड़कर एक मुरादाबाद को एक ऐतिहासिक मैराथन जो आज यहाँ हुआ है एक संदेश दिया है कि बेटियाँ अब चुप नहीं रहेंगी, बेटियाँ अब निडर हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदि का जो नारा है मिशन शक्ति को वो पूरा करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से आज महिलाओं का यहाँ सशक्त एक नज़ारा देखने को मिला तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक संदेश होगा महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए। आभार। रात में कार्यक्रम हुआ है और भव्य कार्यक्रम रहा, क्या संदेश रहा है? आज का संदेश ये है कि बेटियां अब मजबूत हो चली हैं। पहले बेटियों को कमज़ोर समझा जाता था, मुझे लगता है कि बेटियों ने एक सुंदर संदेश, इतनी संख्या में बेटियां आज यहां इकट्ठी हुई हैं, ये संदेश पूरे मुरादाबाद को है कि बेटियां अब कमज़ोर नहीं हैं, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर बेटों के साथ चल सकती। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।